अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं ब्यूटीफुल ख़वातीन और हज़रात। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का एक न्यू ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं सारा दिन जो है वो सोया रहा हूँ। मुझे अभी कुछ ही देर पहले उठा था, नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद हाथ मुँह धोया है। दोस्त की कॉल आई थी, कह रहे थे कि शहरी भाई फैमिली के साथ ना रेस्टोरेंट तक तो हमें छोड़ो, तो मैंने कहा यार भाई मैं आता हूँ 10 मिनट तक। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त को छोड़ने, गाड़ी आ गई है जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्त को छोड़ने। भाई अच्छा जी, अभी छोड़ कर आया हूँ जी मैं शकील भाई को और उनकी फैमिली को, मज़र की तरफ आया हूँ, तो देखते हैं कहाँ जाना है। घर आया था जी तो बारबेक्यू बना हुआ था, तो चलें बारबेक्यू खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो चुका हूँ और इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं और रश जो है वो रेस्टोरेंट में अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होगा, क्योंकि जब मैं दोस्त की फैमिली को छोड़ने गया था ना तब काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश था, लेकिन अब जो है 11 बजने वाले हैं तो रश जो है वो कम हो गया होगा। तो अभी जाना है रेस्टोरेंट और खाना खाना है। दोस्त आए हैं लाहौर से तो उनके साथ जो है ना जी वो खाना खाना है, तो अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डिनर करने। ये जी हम आ गए हैं अपने दोस्त के साथ, मैं अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ जी, और यहाँ पर रिश्तों की बातें चल रही हैं और रिश्तों की बातें यहाँ पर जो है वो चल रही हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि रिश्तों की बातें खाना खाने पर जो है डिनर टाइम पर क्यों चल रही हैं। आपके साथ मैच नहीं करेंगे, वो आपको मोबाइल नहीं दिखाएंगे। लाहौर की लड़की यहाँ पे हमारे साथ खुश रहेगी। तू तो कोई शर्म कर ला, जिन एरिया में मैं रह रहा हूँ डिलीट फॉर एवरीवन होता है ना व्हाट्सएप। हाँ जी हाँ जी, पसीना क्यों आ रहा है शरीफ भाई? पसीना क्यों आ रहा है? पसीना इसलिए आ रहा है यार कि कौन सा टी ये जी भाई के छोटे से फैन है। स्कैंडल हल हो गया प्रिंसिपल वाला, ये भाई को छोड़ गया जी। मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ जी कि शहरी भाई ने मुझे अभी तक कोई ईदी नहीं दी, ठीक है? तो आप दोस्तों ने मुझे इंसाफ दिलाना, मुझे ईदी लेके देनी है। हाँ जी ईदी जो मैंने आपको ईदी देनी थी उसका खाना खिला दिया, सदका हो गया। ये तो फिर सदका कटे है ना, ईदी ईदी तो अजे भी रही है। ये हमारे प्यारे से भाई हैं, इन्होंने कहा है जी कि ईदी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो भाई कोई एक फॉर्म बताए। ईदी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप अगर मुस्कुराहट किसी को दे दें तो ये भी एक तरह की ईदी ही है। अच्छा, मेरे को तो ईदी मांग रहे थे ना। हाँ जी, अब मुस्कुराहट लाओ। गाड़ी में कोई झूठा दे देना वो भी ईदी है, किसी को टाइम दे देना, किसी गोद में बैठा के झूठा दे देना ये भी ईदी है। यार ये इसी के लिए टाइम निकाल लेना भी ईदी, लेकिन अगर कैश की सूरत ये है ना, मैं कैश तो आपको पता है हाथों की मिट्टी है, हाथों की मैल मैल भाई मैल है, ठीक है? ये कभी आपके हाथ में कोई बकाया पैसे पाइए जेब फुसाओ जी, मैल हाथों में सवाल ना हो जाए ना, टिप दे दें बंदे को भाई मेरी ईदी तो दे यार, ईदी तो दे यार, ये कड़ी गल। अच्छा यार कड़ा कंजूस बंदा है, ईदी नहीं दे रहा यार, ईदी तो दे भाऊ। यार टूटे हुए हैं नहीं गे पैसे, टूटे हुए पैसे हैं नहीं गे। स्किन कलर का नोट गॉड उस्ताद, ईदी चाहिए जी इनको, मिल गई है लो सर। हेलो अच्छा जी अभी चाय पीने आए हैं, कलेरा पाया ना ललेरा। दोस्तों के साथ जी, तो अभी यहाँ से चाय पियेंगे गुड़ वाली, बेहतरीन जो है वो चाय बनती है यहाँ पर, तो अभी वो चाय पीने आए हैं यहाँ पर। और जो पहलवान भाई हैं, भाई बाहर आ जा, बाहर आके ब्लॉग बनाना, तो अभी बाहर निकलते हैं।
इन्होंने बूरा भरा होता है इसके अंदर मुझे तो ऐसे देखियो अलादीन ना निकले इन्हें रगड़ ना दियो कि चाह दे कप नु हां जी से गरम बाय से ठंडा ये हो गई बिल्कुल हुई है अचानक वीडियोस बना रहे हैं बंद करें इसको तो मुझे नहीं पता था आप खातून हैं जी तो जनाब अभी मैं घर पहुंचा हूं जी खाना वगैरह खा लिया 2 बज गए हैं जी रात के अल्हम्दुलिल्लाह चाय वगैरह पी खाना शाना खाया जी भाई शकील चले गए हैं जी और कल की उनकी वापसी थी तो वो सुबह जो है वो चले जाएंगे और अभी मैं कुछ जो व्लॉग है उसको एडिट करूंगा जी और फिर सो जाऊंगा जी जनाब अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने और मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई मेरा दिल अज़ीज़ जोग्राफियाई लिहाज से भी दिल अजीज तो एक नई जगह पर आए हैं और एक नया टेस्ट हम करेंगे और ये जगह है भी कमालिए की भाई ये भी बताएं और जरा दिखाइएगा जरा तो अभी हम यहाँ पर पिज़्ज़ा टेस्ट करने आए हैं क्योंकि फ्लेवर का भी हमने जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो टेस्ट किया है तो यहाँ पर हम जो है आज पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे लेट्स सी कि इनका टेस्ट कैसा है सुना है कि बहुत अच्छा टेस्ट है तो उसी टेस्ट को हम टेस्ट करने पिज़्ज़ा को हम टेस्ट करने यहाँ पर आए टेस्ट करने के लिए तो फिर आपको रिव्यू दें कि कैसा है टेस्ट इनका कैसा बाकी माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है अच्छा है ठंडा वेदर है तो अभी बाहर बैठे हैं तो फैमिली के लिए अलग है सेपरेट है तो काफ़ी अच्छा और नीचे बेसमेंट में भी है बेसमेंट में भी है ना है बेसमेंट में भी आप जहाँ चाहें वो बैठ सकते हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करें ये हैं जी इनके पिज़्ज़ाज ठीक है जी और हमने ये करवाया जी फूडलिशियस स्पेशल जो इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है लार्ज करवाया है जी सो लेट्स सी कि कैसा होता है बहरहाल जी जो चिकन की क्वांटिटी है वो तो ठीक है टेस्ट भी नॉर्मल है फिलहाल तो मुझे फील हुआ है जी बाकी मजीद जो है वो इनके जो हैं अपना पिज़्ज़ा जनाब टेस्ट कर दिया हमने और जिस तरह उन्होंने कहा था जी कि फूडलिशियस का ये स्पेशल पिज़्ज़ा है तो मुझे तो ऐसी स्पेशल बात इसमें ऐसी लगी नहीं हाँ जो चिकन की मकदार है वो अच्छी थी बेहतर थी क्योंकि लार्ज मंगवाया है तो उस लिहाज से तो इतनी ही होनी चाहिए इतनी बनती भी थी और दूसरी ये चीज़ें जो है ना ये जो इसके किनारे हैं ये वाले ये थोड़े से जो है ना वो ड्राई थे ठीक तो ड्राई नहीं होने चाहिए अगर ये स्पेशल कह रहे हैं तो इसके अंदर अगर ये चीज़ फिल कर देते ना इनके कॉर्नर यानी कि ये जो किनारे हैं इनके तो ज़्यादा बेहतर हो जाता तो सॉफ्ट होना था बहरहाल बाकी तो ठीक है जी बाकी मजीद जो है वो फ्लेवर जो है वो इनके ट्राई करेंगे तो फिर आपको एवरेज था भाई फिलहाल एवरेज था भाई मैं ये नहीं कहूँगा जी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था आपको अगर भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए ठीक है अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे जी कि मज़ेदार है तो वो मैं चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं कह सकता मजीद टेस्ट करेंगे तो फिर आपको जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे यही है पासवर्ड और पर्ची तो निकली है यही होना है अब सीधा यहाँ से जाएंगे जी मेडिकल स्टोर क्योंकि भाई की तबीयत खराब होने लगी है बंद कर यार जारी भाई जी तो जनाब इस ब्लॉग को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मैं घर आ गया था जी और अब मैं लगा हूँ जी सोने नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि आपको मेरी आंखों से जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह दे वाले अल्लाह हाफिज़